नमस्कार दोस्तों दोस्तों रेलवे में चल रही ग्रुप डी भर्ती को लेकर के 62,000 पदों में भर्तियां चल रही हैं, आवेदन चल रहे हैं, पल पल की आपको अपडेट मिल रही है हमारे चैनल के माध्यम से। तो एक और बड़ी खबर है जो कि आपको मैं देना चाहता हूं, जो कि रेलवे द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जारी किया गया है कि अभी तक ग्रुप डी में कितने फॉर्म गए आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं। पूरा इसमें पूरी ऑफिशियल जानकारी है कि अभी तक कितने हर जोन में जोन वाइज कितने फॉर्म आ चुके हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहे, यहां पर हम आपके लिए सरकारी नौकरी से जुड़े हुए और रेलवे की पल पल की अपडेट आपको दी जा रही है हमारे चैनल के माध्यम से। यहां पर रेलवे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी खबर आपको दी जा रही है, साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी भी की जा रही है। तो दोस्तों प्लीज, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप हमारी कम्युनिटी से नहीं जुड़े, तो प्लीज वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल आइकन को दबा करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे रेलवे भर्ती से जुड़ा हुआ, वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। और साथ साथ वीडियो के नीचे इस थंब बटन को फटाफट से दबा दीजिएगा दोस्तों वीडियो देखने के बाद में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं इस ऑफिशियल नोटिस। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसका मानकृत क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या शाहजहां ने। तो दोस्तों फटाफट से इसके सही जवाब कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए और बन जाइए इसके स्मार्ट व्यक्ति। चलिए दोस्तों आगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आरटीआई मैटर टाइम बाउंड द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे न्यू दिल्ली में यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और 21 मार्च 2018 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर जिन्होंने ये आरटीआई से जानकारी ली है उनका नाम है विनोद कुमार यादव। जी हां दोस्तों, उनका एड्रेस भी यहां पर मेंशन किया गया है, सब्जेक्ट यहां पर लिख रखा है इंफॉर्मेशन सॉफ्ट अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। जी हां दोस्तों, यहां पर उन्होंने लिखा है कि सर योर आरटीआई एप्लीकेशन एड्रेस टू आरटीआई सेल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड रिसीव्ड बाय द डिवीजन विथ रजिस्ट्रेशन नंबर, यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है, एंड सेकंड है कि इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो दोस्तों यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो कि हर जोन के अकॉर्डिंग है यहां पर कि किस जोन में कितने कितने फॉर्म आए, वो मैं आपको पढ़ के अच्छे से बता देता हूं। तो दोस्तों थोड़ा पिक्सल की क्वालिटी का है इसलिए थोड़ा सा ब्लूर हो रहा है, तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। यहां पर लिखा रखा है आरआरबी वाइज रेलवे वाइज समरी। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो टोटल जोन है, आप देख सकते हैं यहां पर 14 टोटल जोन दे रखे हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन है। और यहां पर हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में सबसे ज्यादा फॉर्म आ रखे हैं, जो आ रखे हैं 9,13,057। अजमेर में फॉर्म आ चुके हैं 7,13,256। आगे चलते दोस्तों, यहाँ पर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में अभी तक आ चुके हैं 8,29,548 और बैंगलोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आ चुके हैं 4,12,740 और भोपाल में आ चुके हैं 5,98,000 और भुवनेश्वर में आ चुके हैं 2,75,000 और भोपाल में आ चुके हैं 2,89,896 और चंडीगढ़ में आ चुके हैं 10,94,000। तो दोस्तों 11 लाख के आसपास सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में आए हुए हैं अभी तक। और आगे बात करते हैं यहाँ पर चेन्नई में बात करते हैं तो यहाँ पर आ चुके हैं 6 लाख, जी हाँ दोस्तों 6,58,914 आ चुके हैं। गोरखपुर में आ चुके हैं 5,85,245 फॉर्म आ चुके हैं और गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर आ चुके हैं 4,89,254। कोलकाता में आ चुके हैं 4,58,517, जी हाँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई में आ चुके हैं यहाँ पर 7,98,958, लगभग 8 लाख मान लीजिए आप। और पटना में आ चुके हैं 10,79,249। तो दोस्तों पटना और एक तरह से चंडीगढ़, ये दोनों सबसे टॉप पे चल रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आ चुके हैं। और रांची की बात करें तो यहाँ पर 3,51,507 और दोस्तों सिकंदराबाद ये भी सबसे टॉप पे जा रहा है अभी तक का, यहाँ पर 11,36,589 फॉर्म आ चुके हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल फॉर्म आ चुके हैं 1,04,97,895 दोस्तों टोटल फॉर्म आ चुके हैं अभी तक के, डेट कैलकुलेटेड एज ऑन 21 मार्च 2018। तो दोस्तों 21 मार्च 2018 को अभी तक ये आ चुके हैं 1,04,000, जी हाँ दोस्तों 1,04,00,000, मतलब 1,05,00,000 मान लीजिए आप, ये फॉर्म आ चुके हैं। तो दोस्तों ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको दिखाया हमारे चैनल के माध्यम से, वो भी प्रूफ के साथ में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रूफ है आपके लिए, क्योंकि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी ऑनलाइन डाटे से आ रही थी, उसकी कोई श्योरिटी नहीं थी, लेकिन आपको आपके कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे कि सर हमें ऑफिशियली बताइए कि ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट हुई क्या रेलवे के द्वारा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी है। हम हमारे चैनल के माध्यम से आप
आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो जेन्युइन होती है, प्रूफ के साथ होती है, 100% रियल होती है। तो दोस्तों आज ही हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं रेलवे की और सरकारी भर्तियों की। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में, फेसबुक ग्रुप में। और प्लीज आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके और घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे हम जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।